कैसा लग रहा है? दो तीन साल से बंद था, अब लंकेश बंद। बस ऐसा लग रहा है कि पप्पू की डिपॉजिट जाएगी, आज पप्पू की डिपॉजिट जमा हो जाएगी। ऐसा पप्पू की डिपॉजिट जमा हो जाएगी, रावण की, रावण की डिपॉजिट जमा हो जाएगी। दो तीन साल से बंद था यहाँ पर, जो है नहीं मना पा रहे थे सार्वजनिक रूप से। अब आप रावण बनकर यहाँ पर जो है अभिनय कर रहे हैं, तो कितनी उत्सुकता है यहाँ पर, इतने लोग मौजूद हैं देखने के लिए आए हैं? साबरमती की जनता, अहमदाबाद की जनता बहुत काफ़ी अच्छा उत्सुक है, और दो साल से कोरोना के बाद आज ये मौका मिला है, ये मोदी के राज में। मोदी के राज में, सही बात है, मोदी के राज में, मोदी के राज में ही है सब कुछ मुमकिन है, तो मोदी के राज में। दो वाला चुनाव आने वाला है, अभी लोग जानना चाह रहे हैं गुजरात की जनता का मूड क्या है इस बार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पप्पू की डिपोर्ट जाएगी। केजरीवाल आए हैं लेकिन दिल्ली, अरे उसकी भी डिपोर्ट, खाली झाड़ू ही मारेगा, झाड़ू चला जाएगा, झाड़ू बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि मोदी ने सफाई अभियान बहुत अच्छी तरह चलाया है, तो उसका कोई क्लास नहीं। मोदी जी आएंगे, ओनली फॉर मोदी, मोदी पप्पू की डिपॉजिट जाएगी। भाई और बहनों, 7 बजे पप्पू की डिपॉजिट जाएगी, 7 बजे पप्पू की डिपॉजिट जाएगी यहाँ पर, ये पीछे। और क्या कहेंगे लोग जानना चाह रहे हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मेरे को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं गुजरात के, वो दिल्ली के सब लोगों ने जान लिया है कैसा है। दिल्ली ने, लोगों ने, सबने जान लिया है, और पछतावा है, और यहाँ ऐसा पछतावा नहीं होगा, क्योंकि ये मोदी गुजरात का है। फ्री बिजली दे रहे हैं वो तो। अरे फ्री देवे के हम उसको बिजली देंगे, गुजरात वाले दिल्ली को ऐसा काम करेंगे। ये गुजरात मोदी की सरकार है, और 26 की 26 सीटें आएगी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, लंकेश। भाइयों और बहनों, 7 बजे जाएगी, 182 सीट, आप सब समझदार हैं, डिपॉजिट जाएगी, दोनों की जाएगी, ओनली फॉर कमाल। कौन, एक बार नाम बता दीजिए दोबारा, किस किस की डिपॉजिट जा रही है? पप्पू की और केजरीवाल की। पप्पू तो आप भी जानते हो, किसका नाम है पप्पू? राहुल गांधी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं 2024 की तैयारी कर। अरे वो घर की यात्रा निकाल ले इस दफे तो। घर की यात्रा, शादी तो कर ले रहे, पहले मिल तो जावे। निकले हुए हैं इस समय, कह रहे हैं बीजेपी को हराएंगे अब 2024 में। 1% भी बीजेपी वाले को कुछ नहीं कर सकते गुजरात के अंदर। गुजरात में इतना फर्स्ट क्लास विकास किया है ना पूछो बात, नए नए पुल, नया नया सड़, सब कुछ संभाल पाते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं 27 साल किया कुछ नहीं, विकास कोई है ही नहीं मॉडल, वो कह रहे हैं गुजरात मॉडल कुछ नहीं है। उसको कुछ मालूम ही नहीं है यहाँ गुजरात के अंदर कितना विकास हो रहा है, देखिए आप कितनी आवक हो गई। ये नंबर 1 बनेगा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 बनेगा जब तक मोदी से, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी वरना कुछ भी नहीं। भाइयों और बहनों, 7 बजे पप्पू की गई जय लंकेश। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। मोदी और योगी ये दोनों है, तब तक हमारे को कोई वांधा नहीं है। पहले मोदी फिर योगी, अरे दोनों साथ में है, मोदी और योगी, बाकी पीछे तो अमित शाह बैठा ही है। अमित शाह भी गुजरात के हैं, उनको लेकर भी बड़े आरोप लगाए जाते कि ये दोनों गुजरात के आ करके प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन करके, ये आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगाती है कि ये तो देश बेचने में लगे हुए हैं। ये तो जलने वाले ही हैं, देश को बेच रहे हैं या विकास कर रहे हैं सब देख रही है जनता, जनता को सब मालूम है क्या विकास हुआ है क्या नहीं हुआ, और कितनी सरकार, लोग कितने कितने नए नए पुल, नए नया सिस्टम, नया नया बिजनेस। अब तो वो बाहर वाला भी नहीं पाएगा, अपनी इंडिया का ही, इंडिया में ही माल बनेगा, जैसे मोबाइल है, हर चीज है, हर चीज में अपना विकास होगा इंडिया का, पूरी तरह इंडिया का विकास होगा, और इंडिया नंबर 1 पर आएगी, नंबर 1 पे आएगी लंकेश। कौन सी कक्षा में हो? सेकेंड।
देखिए हम यहाँ पर अहमदाबाद के ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पर दशहरे को देखने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं और ये कुछ कहना चाहते हैं रावण के बारे में और दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं, आइए जानते हैं इनसे। जी बताइए, आपका नाम बताइए। वेद मल्होत्रा। क्या कहेंगे यहाँ पर आप दशहरा देखने आए हैं? मैं आज कहने वाला हूँ रावण के बारे में और रावण बहुत गंदा था और बुराई की हार हुई, अच्छाई की जीत हुई। बुराई की हार हुई, अच्छाई की जीत हुई। आप क्या कहेंगे इस बारे में, आज दशहरा देखने आए हैं? मेरा नाम विराट है, मैं आज रावण के बारे में बताना चाहता हूँ। बुराई का अंत हो और अच्छाई की जीत। बुराई का अंत हो और अच्छाई की जीत। देखिए काफी अच्छी चीज है, हमारा जो कल्चर है वो बच्चों को आज के युग में बताना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हम देख रहे हैं एक तरफ मोबाइल का कल्चर शुरू हो चुका है, वहीं जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में लाना ये बेहद ही अच्छी चीज़ है और ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किस तरह से बच्चों को अपनी संस्कृति से भी जोड़ करके रखा जाए। उसकी एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि इस समय हम मौजूद हैं अहमदाबाद के रेलवे कॉलोनी ग्राउंड में, जहां पर 3 साल के बाद इस तरह का आयोजन किया जा रहा है क्योंकि कोरोना काल की वजह से सोसाइटीज़ में ही सीमित था पिछले 2 सालों से, लेकिन इस बार यहां पर आप देखिए पीछे जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है कितना ज़्यादा हुजूम यहां पर लोगों का इकट्ठा हो चुका है। काफ़ी सारी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग जो है इकट्ठे हो चुके हैं इस रावण दहन को देखने के लिए और अब से कुछ ही क्षणों में यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर पटाखे फोड़ करके इस रावण दहन का जो कार्यक्रम है इसका आगाज किया जा चुका है और इसी दौरान क्योंकि हम इस समय गुजरात में मौजूद हैं तो यहाँ की जनता का जो मूड है इस बार चुनाव को लेकर वो भी समझने का प्रयास हमने किया और उसमें भी लोगों का लगातार ये कहना है, ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि यहाँ पर अभी भी मोदी फैक्टर जो है वो काम कर रहा है। लेकिन आज इस समय ये विजयदशमी का उत्सव यहाँ पर मनाते हुए 2 साल तक जो उत्सव नहीं मना पाए थे अब उसके बाद कहीं ना कहीं घरों से निकलकर सार्वजनिक रूप से जो ये मनाया जा रहा है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है सबके मन में। Yeah.
हेलो, हम अंदर ही हैं, अंदर बस ये रेलवे कॉलोनी ग्राउंड में मौजूद हैं और अब आतिशबाजी के बाद यहां पर पूरी तरह से तैयार हैं राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, हनुमान जी साथ में। तो यहां पर अब से बस कुछ ही क्षण बाकी हैं जब बुराई पर अच्छाई की जीत, जिसको माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, विजयदशमी का जो त्यौहार है इसको मनाने के लिए यहाँ पर जो हुजूम उमड़ा हुआ है लाखों लोगों का, आपसे बस कुछ ही क्षणों में अपना बाण चला करके जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का यहाँ पर परचम लहराएंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं भगवान राम के रूप में। 2 साल तक बंद था कोरोना काल की वजह से, इस तरह से सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पाया, अब 2 साल के बाद हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको राम भगवान के रूप में यहाँ पर अभिनय कर? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल बाद हम ये कार्यक्रम कर पाए हैं, हमारा समाज सबके साथ में मिलकर ये प्रदर्शन हम कर पाए हैं, खुशी का माहौल है सब बाजू, हमें मिल के बहुत अच्छा लगा कि राम भगवान का हम दर्शन करके उनको मानते हैं, हमको स्वरूप मिला है, सब सरकार सब साथ मिल के हम ये खुशियाँ बांटते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा ये करके, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आप क्या कहेंगे, 2 साल तक बंद था सार्वजनिक रूप से, इस तरह नहीं मना पा रहे थे, अब इतने नहीं मना उसका हमें बहुत अफसोस हुआ है, मगर आज हमें बहुत खुशी है, आज रावण को हम जलाएंगे और उसका बुराई का सब हम खात्मा करेंगे। जी देखिए यहाँ पर लक्ष्मण जी भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। 2 साल तक सार्वजनिक रूप से नहीं मना पा रहे थे, सोसाइटी में मना पा रहे थे, इस बार कैसा लग रहा है यहाँ पर 2 साल बाद ऐसे मनाया जा रहा है सार्वजनिक? बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल बाद वापस ग्राउंड में आने का, 2 साल हम सोसाइटी में बनाया हमने, बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे? हाँ मैं वशिष्ठ मुनि बना हूँ, हम यहाँ साबरमती में 40 साल से मना रहे हैं, 40 से ज़्यादा साल से, बीच में 2 साल बहुत अच्छा लगा रहा है, असत्य पर सत्य की विजय हो रही है, हर साल हम मनाते हैं, पंजाबी समाज सबका साथ सरकार से ये काम होता है, सरकार की भी मदद मिलती है सर, यहाँ सरकार कॉरपोरेटर हमारे सब श्री राम मंडल के साथी सबकी मदद से ही ये काम होता है और पूरा हमारा पंजाबी समाज इसको 40 से 50 साल से मना रहा है। जय सिया राम, जय सिया राम, ये प्यारा पे आएगा या द न्यूज़ पे आएगा? द न्यूज़ पे आएगा, द न्यूज़ पे या इस पे, इन दोनों में से एक पे, द न्यूज़ और ये प्यारा, प्यारा न्यूज़ पे, प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, होते होते पीछे आओ, पंजाबी सोसाइटी में से पूरा ऑर्गेनाइज होता है, थोड़ा बाछड़ा इधर प्लीज, हां हां अपना अपना ध्यान रखिया, सारा अपना आगू पीछू सब ध्यान रखिया, आप
ਸਾਰੇ ਲੋਕ